सर आप सभी का TDS के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा था और तीन समास हम लोग पढ़ लिए थे। वो कौन कौन से समास हम लोगों ने पढ़ा था? अव्ययी भाव पढ़ा था, तत्पुरुष समास पढ़ा था और कर्मधारय समास पढ़ा था। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? द्विगु पढ़ेंगे, द्वंद पढ़ेंगे और बहुव्रीहि पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? द्विगु पढ़ेंगे, द्वंद पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं द्विगु समास पर। इस पर चर्चा करते हैं द्विगु समास पर। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु समास के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि संख्यावाचक द्विगु। क्या कह सकते हैं? संख्यावाचक द्विगु, यानी जो समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। या फिर हम एक चीज और कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान हो तो द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे सबसे पहला हम लोग ले सकते हैं चौराहा, चार रास्तों का समाहार। अगला हम लोग ले लिए पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। अगला ले लिए त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाओं का समूह। चौराहा ले लिए, पंचवटी ले लिए, त्रिभुज ले लिए। अगला हम लोग ले लिए तिरंगा। तिरंगा का मतलब क्या होता है? तीन रंगों वाला। तिरंगा को हम लोग क्या कहते हैं? तीन रंगों वाला कह सकते हैं। जैसे सतसई, सतसई का अर्थ क्या होता है? 700। दोहों का समूह क्या ले लिए? चौराहा एक, पंचवटी, त्रिभुज, तिरंगा, सतसई, या हम लिख सकते हैं त्रिवेणी लिख सकते हैं, चतुर्भुज लिख सकते हैं, ठीक है, सप्तऋषि लिख सकते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें क्या हो? संख्यावाची शब्द हो। जिनमें क्या हो? संख्यावाची शब्द हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कौन सा समास में आएगा? द्विगु समास। जैसे आ गया त्रिभुवन। क्या आ गया? त्रिभुवन। त्रिभुवन यानी तीनों भुवन, यानी तीनों लोकों का स्वामी जो है, ठीक है। उसके बाद आ गया चौमासा। चौमासा का मतलब क्या होता है? चार महीनों का समाहार। उसके बाद हो गया कि जैसे बारहमासी, बारहमासी का मतलब जो बारह महीने चले उसके क्या बोला जाता है? बारहमासी बोला जाता है। तो इन सभी में कौन सा समास है?
द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे चर्चा हम लोग किस पर करने वाले हैं? द्वंद समास पर। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो जिस समास में क्या हो दोनों पद प्रधान हो अर्थात हमारा पूर्व पद भी प्रधान हो और क्या उत्तर पद भी क्या हो प्रधान हो वहां पर भी क्या होता है वहां पर क्या होता है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है या फिर अथवा यदि पूर्व पद उत्तर पद का विलोम हो क्या हो तो द्विगु समास होता है। पूर्व पद क्या हो उत्तर पद का विलोम हो तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे राजा रानी इसका क्या होगा राजा और रानी गुण दोष यानी इसका क्या होगा गुण और दोष लाभा लाभ इसका क्या होगा लाभ और अलाभ यानी क्या हाँ राधे श्याम राधे श्याम का क्या होगा राधा और श्याम सीताराम सीताराम का क्या होगा सीताराम का क्या होगा सीता सीता और राम अपना पराया क्या हो सकता है अपना पराया नदी नाला देश विदेश जल थल यश अपयश दिन रात लाभ हानि सुख दुख ठीक ये सारी चीजें किसमें आती है द्वंद समास में आती है। किसमें आती है द्वंद समास में आती है मतलब द्वंद समास का अर्थ क्या होता है कि एक क्या होता है दूसरे का उल्टा होता है। जैसे बहन भाई चाचा चाची माता पिता पति पत्नी ठीक मतलब एक दूसरे का क्या होते हैं ये सभी विपरीत होते हैं तो यहां पर क्या होता है द्वंद समास होता है। कौन सा समास होता है द्वंद समास होता है। अब हम लोग अगली चर्चा करने वाले किस पर बहुव्रीही समास पर किस पर बहुव्रीही ये हमारा अंतिम समास होगा। ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता
जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर, यानी पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। किसकी तरफ संकेत करते हैं? तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये दोनों मिलकर किसी थर्ड की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो यहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसमें हम लोग उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, पीतांबर पीतांबर किससे किससे मिलकर बना है? पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, यानी पीत माने होता है पीला है, अंबर माने होता है वस्त्र, जिसका अर्थात किसके बारे में कहा जा रहा है? कृष्ण के बारे में। यानी पीत और अंबर मिलाकर किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? कृष्ण की तरफ संकेत कर रहे थे। यहां पर कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। चंद्रशेखर, चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, है जिसके, शेखर माने होता है मस्तक पर, अर्थात किसके मस्तक पर चंद्रमा है? शंकर जी के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा है। तो यहां पर कौन सा समास हुआ? यहां पर हमारा कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं त्रिनेत्र, त्रि का मतलब होता है तीन, नेत्र मतलब होता है आंखें, हैं जिसके, तीन आंखें हैं जिसके, यानी किसके लिए? शंकर जी के लिए। ठीक है। वीणा पड़ी, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। तो ये सभी क्या होता है? पहले और दूसरे मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। यहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो आज के हमारे पूरे लेक्चर को हिसाब से क्या हुआ? बहुव्रीहि समास के साथ साथ पूरे समास क्या हो गए? आज पूरा समास हमारा खत्म हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतनी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858198565 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।